अगर मैं आपसे पूछूं सुपर हीरो का डेफिनेशन क्या है, आपकी आंसर होगा शायद जो दुनिया को बचाता है इविलनेस से, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो, साथ ही सच्चाई के लिए लड़े, ऐसा ही कुछ। लेकिन क्वेश्चन है डेडपूल में क्या ये सब खूबी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी तो है, उसे छोड़ के आंसर है ना। पहली बात, वो सुपर हीरो नहीं है, वो एंटी हीरो है। उसके व्यू पर वो संकी है जो कभी भी कोई भी काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो आज हम डेडपूल के रिलेटेड कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानेंगे। बाय द वे, कमेंट में बताना आपको इसमें से कौन सी फैक्ट अच्छी लगी। और इससे पहले भी मैंने वुल्वेरिन पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कहा है, चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो खुद को म्यूटेंट ना बनाते हुए लेट्स टॉक अबाउट। वेल, तुम्हें पता है रायन रेनॉल्ड्स की एक्टिंग करियर और डेडपूल का डेब्यूट सेम ईयर में हुआ था। 1991 में रायन की जर्नी 15 सीरीज से हुई और उसी साल डेडपूल का डेब्यूट भी, द न्यू म्यूटेंट इशू 98 में। ये सुनने में वियर्ड लग सकता है, कैप्टन अमेरिका डेडपूल को पसंद करती है, लिटरली सच है। कैप्टन ही वो शख्स है जिसे डेडपूल रेस्पेक्ट करता है, जो आप इस सीन को देख के भी समझ सकते हो। बचपन से वेट की आइडल कैप्टन ही रहा, सिंस दोनों ही गवर्नमेंट की एक्सपेरिमेंट। दैट्स द रीजन कैप्टन उन कुछ शख्स में से है जो डेडपूल का दर्द को समझ सकता है। आप तो जानती हो डेडपूल कितना थर्की है। हाउएवर, उसकी कैंसर होने के कारण वो वेनिसा को छोड़ दिया था ताकि वेनिसा को इस सिक मैन के साथ जीना ना पड़े। लेकिन फ्यूचर में वेनिसा कॉपीकैट नाम से फेमस होती है, जिसका म्यूटेंट पावर थी शेप्ट शिफ्टिंग। प्रोबेबली आने वाला डेडपूल एंड वुल्वेरिन में भी शायद वेनिसा को इसी म्यूटेंट पावर के साथ देखेंगे, जो दूसरे यूनिवर्स का होगा। हु नोस व्हाट कुड हैपन। डेडपूल एक्सफोर्स की ब्रेवली मेंबर है। अरे इस चुतिया टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, असली एक्सफोर्स की बात कर रहा हूँ, जिस टीम में वुल्वेरिन, साइक्लॉप, केबल, फैंटम एक्स जैसा कैरेक्टर है। हाईली चांस है डेडपूल एंड वुल्वेरिन में भी शायद हम इसी टीम का फॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ डेडपूल वुल्वेरिन तो होगा ही, साथ ही इनके साथ गैम्बिट एंड X23 भी होगा, जैसा सुनने में आ रहा है स्कूपर्स की अकॉर्डिंग। अंटिल ए वुल्वेरिन एक्समैन 97 का ना हो, तो इसके व्यू पर डेडिकेटेड एक वीडियो है, चाहो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेडपूल कैरेक्टर की आइडिया डीसी की डेथस्ट्रोक से आया है। कितना सिमिलरिटी है इन दोनों में, ज़रा गिनो। डेथस्ट्रोक की कॉस्ट्यूम का कलर ब्लैक एंड ऑरेंज और डेडपूल की कॉस्ट्यूम का कलर रेड एंड ब्लैक। फिर दोनों की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में तो जानती हो, गन्स एंड ब्लेड से लड़ाई करना। दोनों की पास्ट भी कुछ हद तक सेम है। डेडपूल की फर्स्ट मिशन केबल एंड एक्सफोर्स को मारना था, सेम डेथस्ट्रोक की गोल है टाइटेंस को इलिमिनेट करना। डेथस्ट्रोक की असली नाम स्लेट विल्सन और डेडपूल की असली नाम तो पता ही है, वेट विल्सन। इतना को भी कौन करता है वे, व्हाटएवर। डेडपूल एक टाइम मल्टीवर्स को बचाने के चक्कर में एक टीम का फॉर्मेशन किया था, जिस टीम का नाम था डेडपूल क्रॉप्स। इस टीम में किटपूल, लेडी डेडपूल, डॉगपूल, हेटपूल जैसा कैरेक्टर का भंडार था। सेम इसी टीम को इस मूवी में भी देखेंगे। बैक टू कॉमिक, ये स्टोरी और भी वियर्ड बन जाता है जब इविल डेडपूल की क्रॉप्स मल्टीवर्स के दूसरे डेडपूल को मार रहा था, जस्ट लाइक डायनासोर पूल, या समझ ही सकते हो वैसे ही सर। तो इनमें कुछ अलग नहीं था, ये भी हमारा डेडपूल जैसा ही अनोइंग, ह्यूमर्स एंड संकी था। बाय द वे, डेडपूल का एक बेटी भी है जिसकी नाम एली। डेडपूल जब कैमिलिटा कैमाचो से संपर्क बनाती है, समझ ही सकते हो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस टाइम उसका एक बेटी होती है। और कैमाचो मरने की बात डेडपूल को जब पता चला उसका एक बेटी है, तो वो अपने बेटी को शील्ड की एजेंट एमिली पर्स्टन के पास ले आता है। इवन डेडपूल एली का पिता है, वो भी सीक्रेट रहने के लिए कहता है। रायन की पहला मूवी डेडपूल या ग्रीन लैंटर्न नहीं, उससे भी पहले वो ब्लेड की ट्रिनिटी में दिखा था, जहाँ हनीबेल किंग का रोल किया था। फिर एक्समैन ओरिजिन में टीम एक्स का मेंबर बनी एंड आखिरी में डेडपूल बनी, जो एक चुतियाप्पा से कम नहीं लग रहा था। देन ग्रीन लैंटर्न जो मूवी फ्लॉप हुई, उसके बाद हमारा फेवरेट डेडपूल बैडस कैरेक्टर। रायन की डेडपूल रोल को प्ले करने की जर्नी एक्समैन ओरिजिन से शुरू नहीं हुई थी। 2004 से वो कोशिश किया जा रहा था ताकि डेडपूल के ऊपर एक मूवी बने। फाइनली 2016 में ये पॉसिबली हुआ। टिम मिलर की पहला डेब्यूट एस ए डायरेक्टर 2016 की डेडपूल मूवी से, और इस मूवी से पहले उन्होंने थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू मूवी को विजुअल इफेक्ट दिया था, जिन कामों को देख रायन इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कहता है। डेडपूल रोल के लिए हमेशा से तो रायन इंटरेस्टेड था, जैसे तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन वेनिसा की रोल किसको देना चाहिए, इसी सोच के साथ उन्होंने टाइलर स्किलिंग, रेबेका रिटेन हाउस एंड ओलिविया मून जैसा एक्टर को कंसीडर किया था, मगर फाइनली ये रोल मूरन बेकरिन को मिला। बाय द वे, ओलिविया मून बैडस लगती इस रोल में, क्या कहती हूँ यार, क्या क्या सोचता हूँ मैं। नेक्स्ट, तुम्हें तो पता ही है मार्वल की किसी भी मूवी हो ना क्यों, उसमें स्टैनली का केमियो रहेगा जब तक वो जिंदा थी। लेकिन डेडपूल का क्रिएटर रॉब लाइफेल्ड का भी केमियो देखने मिलता है डेडपूल मूवी में। अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो इस वेसल वार में, जहाँ बॉब के साथ क्या गुटुरगु कर रहा था बे वो यार,
कुछ भी करे हमें क्या। वेल, कुछ फैक्ट्स को मैंने कवर नहीं किया बिकॉज उसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे यार, लौंडा का बहुत ज्यादा फैक्ट्स है। फिर भी आप कुछ जानते हो तो ऑब्वियसली कमेंट में बताओ, क्योंकि इस क्रिएटिव वर्ल्ड में हमेशा कुछ नया जानने मिले तो भाई उससे अच्छा और क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे। तब तक देखते रहो चाइल्ड्स मेमोरी।